शाबाश पाकिस्तान शाबाश। दिस इज बाबर्स एरा। और क्या होगा गद्दाफी स्टेडियम का नया नाम? दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फैंटोपिया। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू इन खबरे शबरे। What a match it was. This will surely go down as one of the greatest test match of Pakistan. From heartbreaks to celebrations, this match had everything. First inning mein Pakistan ki batting lineup ke collapse hone ke baad Babar Azam said enough is enough and he himself stood up in the second inning to save this test match aur unka saath diya Abdullah Shafiq aur Mohammed Rizwan ne. And their performances were praised by the opposition captain as well. Sometimes, but you know, I thought, you know, Babar, Rizwan, Shafiq, I thought they all batted fantastically the last 2 days. Yeah, we still kind of knew the wicket was not playing too many tricks, but I thought they batted superbly. And बाबर आजम ने अपनी दलेराना इनिंग से न सिर्फ बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं बल्कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भी खलबली मचाती है। इन द न्यू आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग बाबर आजम हैज जंप्ड अप टू द 8th स्पॉट एंड कैन यू इमेजिन व्हिच बैटर हैज ही ओवरटेकन इन दिस न्यू टेस्ट रैंकिंग्स? None other than Virat Kohli, जो अपनी recent performance की वजह से has slipped down to the 9th spot. बाबर आजम ने अपनी कप्तानी पर उठ रहे सवालात को भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से खामोश कर दिया है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिस इज द एरा ऑफ बाबर आजम दैट वी आर लिविंग इन। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से खबर ये है कि शायद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल सीरीज को लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओडीआई और एक T20 इंटरनेशनल भी खेलना है जिसका आगाज 29 ऑफ मार्च से होगा और इसीलिए शायद अभी तक इस सीरीज की टिकट्स की सेल का आगाज नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू PCB चेयरमैन रमीज राजा, गद्दाफी स्टेडियम विल बी फाइनली रीनेम्ड। इससे पहले भी गद्दाफी स्टेडियम का नाम चेंज करने की कोशिश की गई है बट इट वाज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। रमीज राजा ने बताया है कि ही इज इन नेगोशिएशन विद सम स्पॉन्सर्स एंड वन ऑफ देम विल बी गिवन द राइट टू रीलेबल द स्टेडियम आफ्टर देयर नेम। Once this news broke out, हमारी आवाम came with some hilarious suggestions. किसी का कहना था कि स्टेडियम का नाम ओसाका बैटरी स्टेडियम रख दो और कोई कहने लगा कि इसका नाम टिकटॉक स्टेडियम रख दो एंड दिस वन हैज टू बी माई फेवरेट, बोना पापा क्रिकेट स्टेडियम। अगर आपको गद्दाफी स्टेडियम का नाम रखने का मौका मिलता तो आप क्या नाम रखते, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सोशल बाजियाँ। Babar Azam and company deserve all the praises that they have been receiving from all around for their miraculous performance to save an almost lost test match. Pakistan's morale must be very high going into the all-important Lahore test starting from 21st of March. Babae Cricket Babar Azam ke liye fans ki taraf se ek new anthem. Abdullah Shafiq did fall short of a well-deserved 100 but the fans and his teammates praised his crucial inning that was more important than reaching a triple-figure score. सेकेंड टेस्ट मैच में हमें ऑन फील्ड तो बहुत सारा टैलेंट देखने को मिला लेकिन हमें इस मैच का शायद बिल्कुल मजा ना आता इफ उरूज मुमताज वुडंट हैव बीन बिहाइंड द माइक एंड शी हैज बीन मेकिंग हर मार्क इन द कमेंट्री बॉक्स। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज, तो ICC अकेडमी के हेड क्यूरेटर हैज रीच्ड गद्दाफी स्टेडियम और उन्होंने पिच का जायजा भी लिया। आपके ख्याल में थर्ड टेस्ट के लिए लाहौर की पिच कैसी होगी and will it produce any result? Umar Gul posted an image of his early cricketing days. Can you name some Pakistani stars present in this image? And now let's see what do we have for you in Fantasy Nama. Fantasy League is back with the ODI series between South Africa and Bangladesh. So log on to Cricwick to create your fantasy team to win prizes up to 10,000 PKR for every match. Soon the Fantasy League will be live for the white ball series between Pakistan and Australia, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो अभी क्रिकविक की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हिस्सा लें पाकिस्तान की बिगेस्ट क्रिकेट फैंटेसी लीग में। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज एपिसोड ऑफ फैंटोपिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।